पदमपुर उपनिर्वाचन वोट काउंटिंग एवं गणति आधार रे विजयी होती बीजेडी प्रार्थिनी वर्षा सिंह बरिहा। तेरे स्वर्गत विधायक तथा दिवंगत नेता विजय रंजन सिंह बरिहा वर्षा सिंह बरिहा भी आशीर्वाद करिछंती पदमपुरवासी एवं शेषे विजय मुकुट पिंधि वर्षा। तेरे नृसिंहनाथ मटी से शुभिला शंखनाद और नवीन क्रेज आगे हारिगला भारतीय जनता पार्टी। सेपटे बीजेपी सबु मिछ प्रतिश्रुति सबु मिछ प्रतारणार कड़ा हिसाब देती पदमपुरवासी आउि थे सुशासन और विकास सपक्ष में अजाड़ी देखते समर्थन। पदमपुर उपनिर्वाचन में आज फलाफल पुणी थे बीजेडी विकासमुखी राजनीति तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भावमूर्ति को हीरा भली आहुरी उज्जवलमय कर। बीजेडी प्रार्थी वर्षा सिंह बरिहा निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रदीप पुरोहित को 41,946 भोट्रे परास्त करिछंते। गणति आरंभ रु ही वर्षा बीजेपी प्रार्थी उपरे भारी पड़ते प्रथम पर्याय गणति ही बीजेडी आगे चलता। तेरे प्रति राउंड रे बीजेडी संख्याधिक भोट सहित बीजेपी ठू आगे रही। तेरे बीजेडी प्रार्थी वर्षा सिंह बरिहा को पदमपुर भोटर समर्थन करिछंती। बीजेपी सबु प्रकार नकारात्मक प्रचार को भोटर प्रत्याख्यान कर प्रसंग भित्तिक निर्वाचन को समर्थन करिथिबा उपनिर्वाचन फलाफल स्पष्ट होइछि। तेरे वर्षा को मोट 1,18,858 भोट मिलता बेले बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित को 87,185 भोट मिली। से कांग्रेस सत्यभूषण साहू को मिली 3,531 खंड भोट। तेरे वर्षा विजय पर पदमपुर में उत्सव परिवेश सृष्टि। वर्षा निज विजय भोटर को धन्यवाद जनता बेले आस्था प्रकट कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद जन। सेपटे पदमपुर काहीकि सारा राज्य में बीजेडी शिविर में एवं सेलिब्रेशन माहौल देखाई। पुणि थे बीजेडी विपुल भोट व्यवधान में जीति पदमपुर सेलिब्रेशन एवं सारा राज्य में प्रभाव पकाई छि एवं आसंता 2024 निर्वाचन में भी यह खूब प्रभाव देखेबो बोली चर्चा होछि। रिपोर्ट सनस्टार टीवी।